नमस्कार, स्वागत है आपका अपना HBO न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 में चंपापुर अग्रैल नामक एक चौक है, जहां पे हम आज हो गए हैं पब्लिक का मोमेंट देखने। यहां किनको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, यह एक चौक है जहां पिठिया लगता है। और अभी मेरे सामने NCP के नेता आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा दिखाएं इनको, और पब्लिक उनका भव्य स्वागत कर रही है। तो यहां पे हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि पब्लिक से क्या क्या कर रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या क्या करेंगे। कुछ यहां पे हमारे साथ कुछ और भी लोग बने हुए हैं जिनसे कुछ सवाल करेंगे। आइए मेरे साथ सर, ये मुझे बताइए कि आप यहाँ आए हैं, जनता से कैसा रिस्पॉन्स रहा है? जनता के बीच में आप तो देख सकते हैं कि युवा उम्मीदवार होने के नाते सब एकदम क्रेजी है, और सब लोग चाहते हैं कि युवा उम्मीदवार को है जो एकदम मौका मिलना चाहिए, जो कि वर्षों से जो काम इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है उसको काम करने के लिए सब लोग जो है मतलब भरपूर योगदान दे रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा और आप इस क्षेत्र से जीत के विधानसभा पहुंचेंगे। आप जनता से रिस्पांस जान सकते हैं, इन लोगों का प्यार देख सकते हैं। आप इन लोगों से पूछिए कि मतलब ये लोग किस तरीके से हमको विधानसभा मतलब भेजना चाह रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या बदलाव करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, इनको सपोर्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारे युवा के हाथ में सत्ता जाएगी, आगे की सोच होगी, आगे बदलाव होगी। आप इससे ज्यादा और उम्मीद क्या कर सकते हैं? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा, उर्फ डब्लू जी। आप इनसे जो उम्मीद रखते हैं, क्या आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ पे जितने भी जनता है इनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब जनता की, जहाँ तक जनता की बात है, हमारे साथ जो आप जनता देख रहे हैं, जनता की जो भीड़ देख रही है इनके साथ, इससे आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं कि इनके साथ क्या। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ उठाकर इनको सपोर्ट कर दीजिए कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी लोग सपोर्ट हैं। शांत हो जाइए सर, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या? मेरा नाम कुंदन झा है। कुंदन झा, क्या इनको आप सपोर्ट करें सर? हमारे कहने का मतलब है कि गांव समाज का आदमी, बिल्कुल जय कहने से नहीं होता है, सपोर्ट करने से होता है। तो अब हमारे कहने का मतलब, इतना आदमी का भीड़ है, वो मान के चलिए कौन क्या करेंगे नहीं करेंगे उस तो आगे का वो अच्छी है सर, लेकिन हमारे कहने का मतलब नया युवा आदमी आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। सर यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास हुआ है। अभी आप बदलाव करना चाहते हैं या फिर वही रहेंगे? नहीं नहीं, बदलाव करेंगे, बदलाव। तो पातेपुर क्षेत्र का हमेशा एक टर्म एंड कंडीशन रहा है कि यहाँ के जितने भी विधायक हैं वो हमेशा साथ ही साथ 5 साल में बदलते रहते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। सर यहाँ पे एक हमारे साथ बने हुए हैं सर, आप अपना जरा परिचय दीजिए इनको। मैं भी श्रवण कुमार ठाकुर, पंचायत JDU अध्यक्ष, अग्रैल पंचायत, पातेपुर थाना, पातेपुर प्रखंड बलियाव थाना के निवासी हूँ। मैं इन युवा पीढ़ियों को देख के बहुत खुश हूँ। हमारा आने वाला कल नवनिर्माण का एक शिखर होगा, जिस नवनिर्माण से हमारे देश के बच्चे, हमारा सौंदर्यता, हमारा विकास, हमारी मनोवृत्ति, हमारा एकता, सारा चीज एकीकरण के चलेंगे तो हमारी विकास एकदम होना है तो होना है। एक बात और आप लोगों से पूछना चाहते हैं, यहाँ पे कितने और नेता आए हैं आप लोगों से मिलने? देखिए ये तो जनता की अदालत है, नेता का और आना और जाना तो उनका कर्तव्य है, लेकिन डिसीजन लेना तो हम जनता के बीच में है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधिकार सही है, ये नागरिक का अधिकार है कि हम क्या करेंगे। आप आए हैं, आपका स्वागत है, कोशिश करूंगा, धन्यवाद देता हूँ कि आपके ऐसे युवा पीढ़ी को आगे बनाने का अवसर दूं। यहाँ पे एक और व्यक्ति है हमारे साथ जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए। हाँ, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, प्रेजेंट वार्ड मेंबर, हम यहाँ अगल पंचायत के 8 नंबर वार्ड मेंबर हैं। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। क्या शशि जी आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, युवा उम्मीदवार है, हम भी युवा उम्मीदवार है और बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे 8 नंबर के जनता के साथ साथ पूरे हमारे पंचायत के लोग एक साथ इनके साथ एकजुट में है, और हमारे रामकन्द भाई भी
एकजुट में है और एक साथ में हमारे रामकन भाई कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। और सुबोधजीवी यार पूरे समाज है, पूरे हमारे 8 नंबर वासी, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर वार्ड का हमारे पंचायत है, सभी आदमी एक साथ एकजुट शशि जी के चलने के लिए तैयार है। और क्या कहें, युवा युवादार है, युवा हम भी हैं तो हम सोच रहे हैं और हम सारे युवा का एक ही जिंदाबाद है। हाँ मतलब हम लोग युवा हैं, युवा एक संगठन बहुत अच्छा होता है। पुराने लोग पुराने थे, उनका कुछ और बात है और मेरा हम लोग युवा जो है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात बता दीजिए ना। तो यहाँ एक चौक है जहाँ पेठिया लगता है और इसके बाद काफी जनसंख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ भी है। चंपापुर ये पंचायत पड़ता है पातेपुर प्रखंड में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफी लोग शशि कुमार भारती को सपोर्ट करने के तैयार हैं। जी हाँ, आज हम फिर एक नए जगह आ चुके हैं, लेकिन नए जगह आए हैं तो नेता लोग भी अपना अपना वोट मांगने के लिए ग्रामीणों में आ चुके हैं। हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि किनको विधायक बनाएंगे, इससे पहले कि हम यहाँ के ग्रामीणों से पूछें, हम चाहते हैं एक कौन नेताएं हैं। एनसीपी के नेता आए हुए हैं शशि पासवान, हम इनका एक छोटा सा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ग्रामीणों से पूछ लेना चाहते हैं कि आपको शशि जी आए हैं आपसे वोट मांगने के, किस उद्देश्य पे वोट देंगे आप, किस उद्देश्य पे वोट देंगे आप? हम इस उद्देश्य पर वोट देंगे कि वो हम लोग के लिए कुछ काम करे। अभी तक जो भी विधायक बने कुछ नहीं किए हमारे लोग के लिए, शिक्षा का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। आप यहाँ क्या बदलाव हुआ है इस क्षेत्र में? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं इस नेता को बनने से कहीं उम्मीद जग जाए, कुछ बदलाव हो जाए। अच्छा, किस नेता को बदलाव करना चाहते हैं? हम लोग तो ये शशि भारती को बदलाव करना चाहते हैं। किसी वोट देवे जवाई कलाना देवे जवाई वोट किसको वोट इस बार देना है, किस मुद्दा पे वोट देना है? अगर सबको तो देवे के है। किनको वोट देने जा रहे हैं इस बार? शशि पासवान को। जो भी हो, इनका कहना है कि शशि पासवान को वोट जा रहा है इस बार। और भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो कार्यकर्ता भी हैं, खैर उनसे हम सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। आइए, आइसक्रीम वाले भाई जी हैं, उनसे हम सवाल पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या भैया वोट गिराने जाइएगा? जरूर जाएंगे सर, जरूर जाइएगा। किस मुद्दे को लेकर के वोट गिराइएगा, किस मुद्दे को लेकर के वोट गिराइएगा? किस मुद्दे को तुम नहीं समझे, क्या चीज आपके जो एरिया में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या मतलब विकास करने के लिए कौन सा विधायक को चुनेगा आप? विकास जो लाएंगे उसी को चुनेंगे। क्या है अभी अपने एरिया में दो दिग्गज नेता हैं, एक शशि पासवान जो एनसीपी से हैं और एक हैं लखिंदर पासवान जो बीजेपी से हैं, किनको वोट कर रहे हैं इस बार, किनको वोट कर रहे हैं इस बार? दो दिग्गज नेता हैं आपके पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 में, किनको वोट कर रहे हैं आप? इस बार नए को चुनना है, इस बार नए को चुनना है। दो नए मेरे ख्याल से शशि पासवान जी हैं। चलिए कोई नहीं, इनका अपना पर्सनल राय है, आप वोट गिराने जाइएगा? चलिए कोई नहीं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा भीड़ है और भीड़ में काफी लोग कार्यकर्ता लोग हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे। अगर आप लोग यहाँ हटाइएगा सर थोड़ा सा। सर नमस्कार, किस मुद्दे को लेकर के आप वोट मांगने आए हैं पब्लिक के बीच? पब्लिक के बीच में जो है मतलब जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो मजदूर लोगों के काम करने का मुद्दा है, उन सभी चीजों को लेके मैं जो क्षेत्र में लोगों के पास घूम रहा हूँ और लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं लोगों से कि मतलब आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं और किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, घर के मुखिया आप हैं क्या? नहीं, घर के गांव के मुखिया। इस गांव में विकास हुआ है क्या? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। तो इस बार किस में मतलब अपने आपके पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 में दो दिग्गज नेता हैं, जो कि एक एनसीपी के नेता आपके सामने हैं घड़ी छाप शशि पासवान और दूसरा है लखिंदर पासवान जो बीजेपी से हैं, किनको इस बार वोट करने का इरादा बना रखे हैं? ये मतलब हम इसे आपको काहे कह देंगे, हमको दिल जहां होगा वही डाल। आप लोग, हम प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, आप लोगों का क्या इरादा है? इरादा जखन वोट गिरेगा तखनो इरादा आप हमसे पूछिएगा। चलिए कोई नहीं, हम किसी और लोगों से पूछ लेते हैं।
आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ठीक है, विकास हुआ है या नहीं? बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं हम, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, विकास करिएगा। युवा नेता आपके सामने बैठे हुए हैं, क्या इनको वोट करेंगे या फिर वही जो वृद्ध है वही? चलिए कोई नहीं, हम किसी दूसरे क्षेत्र में निकलते हैं, यहाँ कुछ और लोग है, कार्यकर्ता लोगों से बात करना उचित नहीं है। और भी लोग हैं मेरे साथ कुछ, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। वोट गिराएगा चाचा इस बार? जरूर गिराएंगे। किनको वोट गिराएगा इस बार? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास हमरा से कोई नहीं किया है, मुसलमान जात। अच्छा कोई नहीं किया, किस मतलब इस बार वोट गिराएगा? क्या मुद्दा होगा कि कोई विकास करेगा? नया चेहरा होना चाहिए, युवा होना चाहिए या फिर लखिंदर पासवान होना चाहिए? हाँ तो वो तो हम बोल रहे हैं कि आप सही से रहिए, हम लोग वोट गिरा देंगे। वोट गिरा देंगे, इनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वोट जिस दिन गिरेगा उस दिन बताया जा सकता है। तो पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या से 130 से हम लगातार हर गांव में जा रहे हैं, आप बने रहिए एचवी न्यूज के साथ, मैं हर गांव की रिपोर्टिंग आपको देता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एचवी न्यूज चैनल में, मैं हूँ सत्या। और फिर एक पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 से ये कौन सा चौक था? मुंशी चौक पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ के जनता से हम राय लेंगे कि ये इस विधानसभा में किसको वोट कर रहे हैं, किसे अपना प्रत्याशी मानते हैं, किन्हें अपना विधायक चुन के भेजेंगे विधानसभा, किनको वोट करना चाहेंगे, किस मुद्दे को लेकर के वोट करना चाहेंगे? हम लोग तो चाह रहे हैं जो युवा को वोट दे, इस बार युवा को वोट मिलना चाहिए। अच्छा आप बताएंगे किनको वोट मिलना चाहिए इस बार? जो बढ़िया होगा कैंडिडेट काम करने वाला उसको वोट दिया जाएगा। जी तो इनका कहना है कि युवा को और जो बढ़िया काम करने वाला, किस मुद्दे पर देख करेंगे युवा और क्या मतलब काम करने वाला तो होना ही चाहिए, किस विषय पे आप वोट करेंगे कि मतलब काम तो होना ही चाहिए इसके अलावा? इसके अलावा काम बढ़िया करें। जी जी आपके पंचायत में सॉरी आपके क्षेत्र में दो बेहतर कैंडिडेट है जिसको टक्कर, जिसमें काफी अच्छा टक्कर होने वाला है, शशि पासवान जी हैं और एक लखिंदर पासवान जी हैं, तो आपकी नहीं ज्यादातर वोट करेंगे पब्लिक का कहना है? देखिए जाति पाति पर नहीं जा रहा है, हम लोग युवा सुनेंगे, जो शिक्षित होंगे उसी को वोट करेंगे। तो अपने पातेपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 130 से युवा प्रत्याशी हैं शशि पासवान, उनको इस बार वोट जाने की ज्यादा संभावना है। आते हैं एक और दुकान है हमारे साथ बगल में, हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस बार इन्हें कौन से वोटर पसंद करेंगे, इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र से किनको वोट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड इस बार चेंज है, जनता का मूड चेंज है, बदलाव होगा इस क्षेत्र में? बदलाव होगा। हाँ। तो मतलब अपने क्षेत्र में दो बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, शशि पासवान और एक है लखिंदर पासवान बीजेपी से, और शशि पासवान हो गए एनसीपी से, किन्हीं ज्यादातर वोट पड़ने का उम्मीद है, पब्लिक का क्या मूवमेंट बना रखा है अपना? पब्लिक मूवमेंट तो थोड़ा चेंज है, अब कौन जीतेगा इस वक्त नहीं कह सकते हैं। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? बोले ना पार्टी इस बार चेंज होगा, इस बार चेंज होगा। तो लोगों का कहना है कि इस बार चेंज होने का संभावना है, बदलाव होगी, युवा प्रत्याशी पढ़े लिखे शिक्षित, ज्यादातर लोगों का कहना है कि शशि पासवान को वोट जाने का संभावना है। आप देखते रहिए एचवी न्यूज, मैं किसी दूसरी जगह फिर पहुंचता हूँ, किसी दूसरे चौक से फिर रिपोर्टिंग करता हूँ। धन्यवाद।